हाय गाइस, क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। जैसे कि आप सुनते हैं बैट्समैन, बैट्सवुमेन, ऐसे करके आप कई बार शब्द सुनते होंगे। तो अब यहाँ पे एमसीसी के द्वारा बोला गया है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म हम यूज करते हैं, चाहे वो यहाँ पे जेंडर को आइडेंटिफाई करता हो, यानी कि मेन और वुमेन को आइडेंटिफाई करता हो, तो जेंडर इक्वालिटी के लिए अब कहा गया है कि अब एक कॉमन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि बैट्समैन वर्ड नहीं यूज होगा और बैट्सवुमेन शब्द जैसा भी कुछ अब नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो फिर नया वर्ड क्या होगा? तो अब नया वर्ड जो आने जा रहा है वो होगा बैटर। अब इस शब्द को अप्रूवल कब तक मिलेगा, या फिर आईसीसी यहाँ पे इसके बारे में कब कहती है कि हाँ अब से ये वर्ड चेंज होने वाला है, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन यहाँ पे एमसीसी ने ये डिमांड कर दी है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए जरूरी हो गया है कि बैटर शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ताकि यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो आपको क्रिकेट के अंदर भी देखने को मिले। आईसीसी अब यहाँ पे अप्रूवल हो सकता है आज या कल में दे देगा, क्योंकि आईसीसी आप जानते हैं कि दिस इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, और इन्होंने अभी रिसेंटली बायजूस के साथ में टाइप भी किया था 3 सालों के लिए। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर ये चेंजेस होते हैं तो हमारे याद करने के लिए एक और शब्द बढ़ जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा कि एशिया की तरफ से बीसीसीआई के अंदर अध्यक्ष के रूप में काम कौन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।